किसानों के गेहूं का उचित मूल्य देने के उद्देश्य से जिले में 124 गेहूं क्रय केंद्र खोले गए हैं। शुक्रवार को गेहूं क्रय केंद्रों का जिलाधिकारी के विजयेंद्र पांडियन ने निरीक्षण किया था, जिसमें मीरपुर केंद्र पर अनियमितता पाए जाने पर वहां के केंद्र प्रभारी को निलंबित कर दिया था। वहीं उत्तरासोत केंद्र पर केंद्र प्रभारी द्वारा बिचौलिए के माध्यम से गेहूं खरीद की शिकायत पर डीएम ने वहां के प्रभारी पर मुकदमा दर्ज करा दिया है। गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए जिलाधिकारी ने बताया कि उत्तरासोत का केंद्र प्रभारी शासन द्वारा निर्धारित मूल्य से कम मूल्य पर किसानों से गेहूं खरीद रहा था, जिसको देखते हुए उसके ऊपर एफआईआर दर्ज करा दी गई है। इस संबंध में जिलाधिकारी ने बताया, ले जाने के लिए रवाना क्यों नहीं किया भाई? टोटल करो, मुंह का ताक रहे हो यार। देखिए, यहाँ 1 तारीख से शासन के निर्देश के अनुसार यहाँ 124 किराए केंद्र चालू किए हम लोग। इसमें विभिन्न एजेंसी है, पीसीएफ है, नेटफेड है, पैकफेड है, बहुत एजेंसी काम कर रही है। इसका जो हम लोग पहले ही मीटिंग करा चुके हैं, इन लोगों की तैयारी के बारे में, सारे के बारे में। आप जानते हैं इस बार बम्पर क्रॉप हुआ है, फसल भी अच्छी है, और उसका रेट जो हम लोग सरकारी रेट 1735 रुपये जो सरकारी रेट है, जो हम लोग मूल धन से खरीद रहे हैं, उससे जो बाहर का जो मार्केट रेट है वो काफ़ी नीचे है। करीब 300 रुपये, 400 रुपये, कहीं 500 रुपये नीचे चल रहा है इस समय में। इसलिए तो हम लोग भ्रमण में निकले थे कल, भ्रमण में टीम के साथ निकले हैं, रोज़ हम लोग निकलेंगे उसको। 3 दुकान हमने चेक किया, देखिए लाइन पर 3 दुकान में, 2 दुकान में अनियमितता पाया है। एक मीरपुर है, मीरपुर का वहाँ का सचिव है, वो बिल्कुल खरीदारी शुरू ही नहीं किया, खाता तक नहीं खोला है। पीसीएफ का केंद्र था, वहाँ का सचिव का तुरंत हमने सस्पेंड करा लिया। उसके बाद आज से वो सेंटर एक्टिवेट कराने के लिए कार्रवाई प्रारंभ है हमारा, आज कल से वो एक्टिवेट हो जाएगा। दूसरा जगह उत्तरासोत, वो जगह हमने गए थे, वो पीसीएफ के माध्यम से ही एक कोऑपरेटिव एजेंसी है, प्राइवेट कोऑपरेटिव एजेंसी, वो खरीदारी कर रही थी। उसका तो बहुत अनियमितता मिला है, ताकि वो जो किसका घर पे चल रहा था वो आड़त था, अपने ही माल रखा हुआ था उस पर 80-100 बोरी था, उसके अलावा राशन कोटेदार का भी माल उस पर पड़ा था। कल तो उसको सील कराया हमने, उसके बाद फिर एफआईआर आपको दर्ज करा लिया, ताकि जो आड़त है वो अपने माल और इसके माल एक ही साथ नहीं रख सकते, और एवं जो राशन डीलर है जो, वो भी तो वहाँ बोर्ड नहीं लगाया है, राशन के बारे में किताब विताब कुछ भी नहीं था, ताला लगी हुई थी। इसलिए जो संबंधित लोगों के खिलाफ कार्रवाई कराने के लिए कल ये प्रारंभ किया, एफआईआर दर्ज हो गया, वो सेंटर भी हम लोग खारिज कर दिया, इसके बगल में और एक सेंटर खोलेंगे। इसको लगातार हम भ्रमण में निकलेंगे। हम लोग का मकसद यही है, ताकि 1735 रुपया जो सरकार जो उन लोग किसान के लिए देने के लिए तैयार है, उसका नीचे किसी बिचौलिया किसी कोई लोग मतलब कोशिश करते हैं लेने के लिए, उनके ऊपर सख्ती से सख्ती कार्रवाई होगा। बिचौलिया को रोकने के लिए सर डायरेक्ट खातों में जाने का पैसा? हाँ, पैसा तो डायरेक्टली जा रही है, बट प्रॉब्लम क्या है, मान लीजिए तो उनसे पहले तो इन लोग ले ले रहे हैं पैसा। अब तो कल ये घटना में तो हम गए थे जो उत्तरासोत में, 1410 रुपया में उन्होंने खरीद लिया सबसे, वो तो फिर वो 1410 रुपये में खरीद लिया, गवर्नमेंट का उसी का दिखा करके 1735 रुपये वो ले रहा, फिर किसान के खाते में जाएगा, फिर उसी से वो निकलवा देता है, उसी टाइप का सिस्टम बना हुआ है। हम तो बेसिकली तो उसका आड़त का तोड़ना है, बिचौलिए का तोड़ना है। इसलिए तो हम SDM ADM हम खुद भ्रमण पे हैं। इस बार जो गवर्नमेंट का जो फायदा किसान को मिलना वो मिलेगा।